हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। इट इज़ एन एजुकेशनल चैनल और जो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता ही है कि मैंने क्लास 9 का कुछ ब्लॉग्स डाल रखे हैं और मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं बहुत जल्दी छोटे बच्चों के लिए भी कुछ नया लाने वाली हूँ। तो आज से ही मैं क्लास 1 का कुछ वर्कशीट डाल रही हूँ मैथ सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप गार्जियंस को रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी डाल सकते हैं कि आपको क्या और देखना चाहते हैं, आपको कौन से कंटेंट के ऊपर वर्कशीट चाहिए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूँ, नए नए वर्कशीट्स और अच्छे से लेके आ सकूँ, तो जिससे आपको भी हेल्प हो अपने बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवाने के। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए और लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्कशीट फॉर क्लास 1। सब्जेक्ट इज मैथ्स। सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है क्लास 1 के लिए वो काउंटिंग होता है। तो हमने काउंटिंग के बेस के ऊपर ही हम क्वेश्चन किया है, फाइंड द मिसिंग नंबर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्कशीट। तो हम क्या कर इसमें मैंने क्या किया है, मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, सर्कल्स के अंदर मैंने कुछ फिगर्स लिख दिए हैं और कई कई जगह पर मैंने उन सर्कल्स को एम्प्टी रखा है। तो ऐसे क्या होगा, बच्चों को हम अगर मैं ऐसे सीरीज में लिख के देंगे, कुछ गैप्स कर देंगे, तो उनको हम उसको कहेंगे जैसे सीरियल वाइज लिखो। तो जैसे यहाँ पे है 38 के बाद क्या आता है 39, 40, 41, 42। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है 43, 44, नेक्स्ट इज 45, 46, 47। तो अगर हम इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे, बीच बीच में गैप एम्प्टी गैप्स दे देंगे और बच्चे को कहेंगे कि आप इसको फिलअप कीजिए, मिसिंग नंबर्स को फिलअप कीजिए, तो दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स एंड इन दिस विल आल्सो हेल्प देम टू राइट द आफ्टर नंबर एंड द बिफोर नंबर। एंड सपोज दिस इज द लास्ट एग्जांपल हेयर 15, 17, व्हाट इज द बिटवीन नंबर 16। तो ये इस तरह से भी हम इनको बच्चों को ये आगे का करवा सकते हैं, इससे उनको काउंटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्कशीट इज बेस्ड ऑन ऑल्सो द काउंटिंग। दिस इज काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स 1 to 20, सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ मैंने कुछ स्क्वायर्स बनाए हैं, बॉक्स बना दिए हैं और बॉक्सेस में डिफरेंट टाइप्स के मैंने ऑब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। सी द फर्स्ट वन, इन दिस बॉक्स सर्कल 12 फ्लावर्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स बना दिए हैं और बोला है सर्कल 12 फ्लावर्स। तो हम अगर बच्चे को कहेंगे कि आप काउंटिंग करके यहाँ से 12 फ्लावर्स को सर्कल कर दीजिए। सेम टाइप यहाँ पे नीचे है सर्कल 13 लीव्स, यहाँ पे कुछ लीव्स हैं और यहाँ पे मार्क किया 13 लीव्स को सर्कल करने के लिए बोला गया है। इसी तरह की वर्कशीट आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और इस तरह से उनको काउंटिंग करने में बहुत बहुत ईजी हो जाएगा और उनको बहुत इंटरेस्ट भी आने लगेगा। नेक्स्ट वर्कशीट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मिसिंग नंबर्स 1 to 50। अगर हम सीधा काउंटिंग कर लिखने के लिए बच्चों को बोलेंगे तो सो बोरिंग। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ एक्स की शेप में यहाँ पे हैंड बना दिया है, कुछ अंडों की शेप में मैंने यहाँ पे कुछ शेल्स डाल दिए हैं, तो और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे मैंने काउंटिंग लिख दी है, कुछ कुछ जगह पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा इसको फिलअप करने में, कलरफुल लगेगा देखने में भी, कलर्स डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं इसको भरने के लिए। तो 1 to 50 यहाँ पे डायरेक्ट काउंटिंग ना लिखवा कर अगर हम बच्चों को ऐसे टाइप की वर्कशीट देते हैं तो उससे क्या होगा, उनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने लगेगा, वो अपने आप से ही इसको फिलअप कर सकेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट इज ऑल्सो ऑन द काउंटिंग नंबर्स। हेयर द क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच रो, सर्कल द करेक्ट न्यूमरल्स। मैंने यहाँ पे डिफरेंट के फिगर्स डाल दिए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एप्पल्स दे दिए हैं कुछ यहाँ पे। जस्ट आप बच्चों को बोलिए कि ये एप्पल्स को आप काउंट कीजिए, काउंट करके यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं आप यहाँ पे सर्कल कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 15 नंबर को सर्कल कर दूंगी। यहाँ पे एक और केस लिया है मैंने, मैंगोज़ बना दिए हैं। तो यहाँ पे हम पहले गिन लेंगे यहाँ पे कितने मैंगोज़ हैं, यहाँ पे हैं टोटल 10 मैंगोज़, तो यहाँ पे हम 10 को सर्कल कर देंगे। इस तरह के आप डिफरेंट पिक्चर्स बना कर उनको दीजिए और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दीजिए और उनको बोलिए कि आप यहाँ पे जितने नंबर्स काउंट करके आते हैं उस नंबर को आप यहाँ पे सर्कल कर दीजिए।
तो इधर इस तरह से आप वर्कशीट अगर बच्चों को कराएंगे तो उनको काउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, उनको इंटरेस्ट भी होगा और इस तरह से वो अपनी वर्कशीट्स को इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। तो और इधर हम एक और वर्कशीट हम यहाँ पर ले लेते हैं, यह है काउंट एंड कलर। यहाँ पे मैंने 15 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लीव्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 15 है तो काउंट करो पहले यहाँ पे कितने, यहाँ पे कहाँ तक 15 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम कहेंगे कि जितने भी यहाँ पे नंबर है आप पहले उनको काउंट कीजिए वहाँ तक, फिर आप उन लिप्स को कलर कर दीजिए। तो इन बच्चों को कलर्स का भी इससे कलर का भी नॉलेज आ जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पे मैंने 11 ले लिया है, यहाँ पे कुछ मैंने पेंसिल्स ड्रॉ कर दिए हैं। आप बच्चों को बोले कि यहाँ से 11 देख के आप 11 काउंट कीजिए, 11 काउंट करके इनको कलर कर दीजिए। सिमिलर यहाँ पे मैंने कुछ लोटस बना रखे हैं, 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। जस्ट एक यहाँ पे 18 है तो हम 18 फ्लावर्स को यहाँ पे काउंट कर लेंगे और उसको कलर करने के लिए कहेंगे। तो मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।